नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। करारिया थाना अंतर्गत ग्राम बमुरिया में शनिवार की देर रात 9:30 बजे के लगभग परिवार के ही सदस्यों के बीच गाली गलौज को लेकर बड़े विवाद के बाद एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गोली मारने वाले शख्स के साथ गंभीर मारपीट की गई है। उसे पहले जिला अस्पताल और बाद में भोपाल रेफर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बमुरिया में पंचायत चुनाव में फार्म भरने को लेकर एक ही परिवार के कुछ सदस्य के बीच गाली गलौज हो रही थी। बीच बचाव करने पहुंचे 18 वर्षीय अनिरुद्ध डांगी के साथ चंद्र सिंह और महेंद्र डांगी द्वारा मारपीट की गई। उसी दौरान चंद्र द्वारा अवैध कट्टे से गोली चला दी गई है, जिससे अनिरुद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद दूसरे पक्ष के सदस्यों ने चंद्र के साथ भी गंभीर मारपीट कर दी। घायल और मृतक को परिवार के सदस्य जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टर ने उसे जाँच के बाद अनिरुद्ध को मृत घोषित कर दिया। रात में ही एसपी मोनिका शुक्ला भी जिला अस्पताल पहुँची। सीएसपी विकास पांडे, करारिया थाना प्रभारी अनूप नामदेव आदि भी जिला अस्पताल पहुंच गए। रविवार सुबह मृतक का पीएम करवाया गया। एसपी मोनिका शुक्ला ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। बमुरिया गांव में थाना करारिया में कल रात्रि में डांगी पक्ष एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग थे, तो उसमें अनिरुद्ध डांगी को गोली लग के उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में दो आरोपी थे, एक आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को भी चोट है, उसको सिटी स्कैन के लिए भोपाल रेफर किया। मैम, जो दूसरा आरोपी है, आरोपी बताया जा रहा है चंद्र का नाम, उसे तलवा किस नाम है? उसकी तरफ से भी FIR है, उसने 3 नाम बताए हैं, उनकी गिरफ्तारी। घटना पहले किसकी हुई, पहले गोली चली या तलवार चली? अभी तक जितनी जानकारी हमें आई उसमें पहले गोली चली। मैडम, अभी जिला परिषद में गमले रखे हैं, जहाँ तक हम समझते हैं इसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है, उसकी डॉक्टरी जांच कराएंगे, उसकी फोरेंसिक जांच होगी और बैलिस्टिक एक्सपर्ट जांच करेंगे। रामल गांधी बमुरिया, क्या हुआ? गाली गुप्तार हो रही थी, राजा तो पैद गाली दे रहा, तो ईटा फेंक रहा था हमारे भैया, ईटिया बात एक दिन चक्कर बाहर गोली चला लगा, दो भैया चंदू मैं दो ही चला रहे थे। अच्छा, ये गोली किसने मारी थी? गोली चंदू बमुरिया 9:15 बजे होकर 8:30 बजे 9 के बीच में हुई घटना। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।